हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मिक्स नॉलेज में। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। जो मेरे फ्रेंड है जिन्होंने न्यू चैनल क्रिएट किया है अभी भी, और वो डेली वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्रोम में जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपका अपना चैनल ओपन कर लेना है, ठीक है। यूट्यूब का ये है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ चैनल पर आपको क्लिक करके यहाँ पर मोनेटाइजेशन पर क्लिक कर देना है। तो इसमें बता रखा है इसमें अप्लाई और अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, ठीक है। ये अकाउंट स्टेटमेंट है, ठीक है, अकाउंट स्टेटस है, सॉरी। तो इसमें इसने बता रखा है पूरा रिव्यू, तो आप पढ़ लीजिए ध्यान से। इसमें आपने मेरा एडसेंस भी अकाउंट वेरीफाई है, ठीक है। इसमें बता रखा है गेट रिव्यू आफ्टर रीचिंग 10,000 व्यू, ठीक है, कि आप जब तक 10,000 व्यू आप अचीव कर लोगे उसके बाद आपकी मोनेटाइजेशन लग सकती है। अगर लगेगी नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है लगेगी या लगेगी नहीं, ठीक है। अगर लगेगी तो कैसे लगेगी, अगर नहीं लगती है व्यू मोनेटाइजेशन तो क्यों नहीं लगेगी, ठीक है। उसकी कंप्लीट गाइडलाइंस है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक मेरे भी 10,000 व्यू नहीं हुए, तो मैं भी ये सोच रहा था कि अगर 10,000 व्यू होने के बाद अगर मोनेटाइजेशन नहीं लगी तो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप देख लीजिए कम्युनिकेशन गाइडलाइन, ठीक है, कम्युनिटी गाइडलाइंस पूरी पढ़ लीजिए ध्यान से, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए अगर आपने चैनल बना रखा है अपना, ठीक है। पॉलिसी एंड सेफ्टी यूट्यूब की है, बहुत बढ़िया चीज़ बताई गई है इसमें आपको। न्यूडिटी ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, आर्मी ऑफ डेंजर सेंटर, वॉयलेंट ऑफ ग्राफिक कॉन्टैक्ट, एक्चुअल कॉन्टैक्ट, हेरसमेंट एंड साइबर बुलिंग, स्पैम, मिसलीडिंग, मेटाडाटा, स्कैम्स, कॉपी राइटिंग, थिएटर्स, प्राइवेसी, इंप्रेशन, मतलब सारी है जहाँ पर। मैं बता देता हूँ आपको कि इस यूट्यूब ने बता रखा है कि आपको कोई ऐसी वीडियो नहीं डालनी है जो मतलब आपकी पर्सनली भी हो, सेक्सुअल वीडियो हो। वो वीडियो अगर आप यूट्यूब पे डालते हो तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइजेशन पे नहीं आएगा, चाहे फिर वो आपकी ही वीडियो हो, ऐसी वीडियो नहीं डालनी है। दूसरी, यूट्यूब ने बता रखा है कि आपको ऐसा कोई वीडियो अपलोड नहीं करना है जो जाति विवाद के संबंध में हो, ठीक है, देश विदेश के संबंध में हो। ऐसा कोई वीडियो नहीं डालना है जो मतलब एक दूसरे लोगों को मतलब भड़काव में लेके आ सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा वीडियो आपको नहीं डालना है, ठीक है। तीसरा, ऐसा कोई आपको वीडियो नहीं डालना है किसी के बारे में आपको मतलब बुरा भला नहीं कहना है उसकी इजाज़त के बगैर। अगर वो यूट्यूब की टीम को अगर मेल भी डाल देता है तो आपके चैनल पे क्लेम लग जाएगा, ठीक है, आपका चैनल बंद हो जाएगा। आप जो 10,000 व्यू जो लेके आए हो जितनी मेहनत करके, वो आपके बेकार में चले जाएंगे, ठीक है। और इसमें बता रखा है मतलब कॉपीराइट्स, ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है। मैंने देखा कई दोस्तों को दूसरों को वीडियो उठा उठा के वो चैनल में डालते हैं, ठीक है। तो उसको ऐसा करने से मतलब आपके 10,000 व्यू तो कंप्लीट हो जाएंगे बहुत जल्दी, बट आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन नहीं लगेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो यूट्यूब पैसा देता है वो यूट्यूब पैसा नहीं देता है, वो एडसेंस पैसा देती है मोनेटाइजेशन का, मतलब ऐड का पैसा मिलता है आपको, ठीक है। वो ऐड का कैसा कितना पैसा मिलता है वीडियो में बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें अगर मोनेटाइजेशन नहीं लगी आपके वीडियो पे तो आपका चैनल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, आप मेहनत कर रहे हो वो आपको कोई काम नहीं आने वाली, ठीक है। तो कॉपीराइट का मतलब है किसी दूसरे की वीडियो उसके इजाज़त के बगैर आपको अपलोड नहीं करनी है। अगर उसने पहले भी अपलोड कर रखी है तो आपके चैनल कॉपीराइट का क्लेम लग जाएगा, आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑथोराइज नहीं करेगा, ठीक है, यूट्यूब, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, तो ये पूरी पढ़ लीजिए आप। प्राइवेसी एडिशनल पॉलिसी, चाइल्ड इंगेजमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक चैनल क्रिएटर हो तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो अपलोड करने से पहले ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिए, टर्म एंड कंडीशन यूट्यूब की। उसके बाद आप अपने वीडियो बना के डालिए, ना कि दूसरों किसी की वीडियो नहीं डालनी है आपको अपने चैनल पे, ठीक है। अगर वीडियो में आप